नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। खबर है एटा से। जनपद के सकीट थाने पहुंचे अलीगढ़ रेंज आईजी सलभ माथुर ने नवीन मीटिंग हॉल का किया शुभारंभ। नवीन मीटिंग हॉल के शुभारंभ के बाद थाना दिवस में एटा पहुंचे अलीगढ़ रेंज आईजी सलभ माथुर। थाना दिवस में पहुंचे आईजी सलभ माथुर ने नवीन मीटिंग हॉल का फीता काट कर किया शुभारंभ। थाना दिवस में पहुंचे आधा दर्जन शिकायतकर्ताओं की आईजी ने सुनी शिकायत। आईजी ने शिकायतों को तत्काल संबंधित चौकी प्रभारी और लेखपाल को मौके पर पहुंचकर जांच करवाने के दिए निर्देश। आगामी सावन माह के कांवड़ यात्रा को लेकर आईजी करेंगे एटा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। थाना समाधान दिवस में आईजी सलभ माथुर के साथ एसएसपी राजेश कुमार सिंह, एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा, एसपी क्राइम योगेंद्र, सीओ सकीट संजय सिंह रहे मौजूद। ट्रेनिंग सीओ महेश कुमार, थाना अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने थाने में पहुंच फरियादियों की सुनी समस्याएं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर सोनू की रिपोर्ट। आज थाना समाधान दिवस है, तो जनरली जो भूमि संबंधी विवाद होते हैं जिसमें पुलिस और राजस्व की टीम संयुक्त रूप से जिसमें जाने की आवश्यकता होती है, कई बार यही विवाद जो है बड़े घटना का कारण बनते हैं। तो समयबद्ध तरीके से और गुणवत्ता के साथ उसका निस्तारण हो सके, इससे राजस्व और पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से आज जाती हैं। आज जो फरियादी जो भी आएंगे और अपने प्रार्थना पत्र देंगे, उनके जो जो इश्यूज होते हैं जहाँ पर पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ आज जनपद एटा के थाना सकीट के अंदर जन सहयोग से आप देख रहे होंगे ये जन सुनवाई कम मीटिंग हॉल का भी इनॉग्रेशन किया गया है, और इसके बाद फिर ऑपरेशन जागृति का प्रोग्राम करके SHOs और SOs की मीटिंग की जाएगी। सर, अमूमन किस तरह की ज्यादा समस्या आ रही है समाधान दिवस में? बेसिकली जमीन संबंधी विवादों की आती है, अलग अलग तरह की समस्याएं। कहीं पे नपाई की समस्या हो सकती है, कहीं पर नपाई के बाद वापस पुलिस बल की हो सकता है आवश्यकता पड़ी हो, कोई उस चीज को नहीं मान रहा हो, कहीं पर निरोधात्मक कार्रवाई की जरूरत हो, कहीं के ऊपर बंटवारे की समस्या आती है, पैमाइश की समस्या आती है, अलग अलग समस्याएं जो है बेसिकली आती है। सर, आगामी सावन मास में कांवड़ मेला का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है जिससे संपन्न जी कांवड़ को लेके आज हम लोग के द्वारा भी जनपद में रिव्यू किया जाएगा तैयारियों को, और उसको लेके क्या क्या तैयारी की गई है विगत में त्यौहार रजिस्टर्स के हिसाब से, कहाँ कहाँ हमारे मेन रूट है, कहाँ कहाँ CCTV लगे हैं, जो हमारे कांवड़ के जो भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनको इनकन्वीनियंस ना हो, शिविर की साइट कौन सी रहेगी, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, अन्य विभागों के साथ। तो एक मीटिंग जो है जिला स्तर के ऊपर हो चुकी है, साथ ही साथ मुहर्रम भी अभी आएगा, तो मुहर्रम की तैयारियों को लेकर भी आज समीक्षा की जाएगी। तो अलग अलग तरह की समस्या हो सकती है, तो उन समस्याओं का चाहे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से अथवा जो पुलिस की तैयारी है उन सबका आज रिव्यू किया।